most precious thing I have at home? The most precious thing I have at home... Well, the most precious person I have at home is my husband. Precious thing I have at home would be... I think my books. What is the most precious thing I have at home? The most precious thing I have at home... Well, the most precious person I have at home is my husband. Precious thing I have at home would be... I think my books. आज की वीडियो में आपको कटरीना कैफ की लिप सर्जरी के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कटरीना कैफ अपनी न्यू अपकमिंग मूवी फोन बोथ की प्रमोशंस में आजकल बिजी नजर आ रही हैं और कटरीना कैफ को जहां बहुत सारे फैंस मूवी में देखने के लिए बहुत एक्साइटेडली वेट कर रहे हैं, वहीं बहुत सारे फैंस कटरीना के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रेज करते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, रिसेंटली कटरीना कैफ को काफी सारी प्रमोशंस में देखा गया और उन्हें बिग बॉस के 16 के वीकेंड के बारे में भी देखा गया। कटरीना कैफ बिग बॉस के शो पर जब आई तो उनकी लुक बिल्कुल उनके करेक्टर की तरह थी, बट कटरीना के फैन को उनकी ये लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। कटरीना के लिप फिलर्स को लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही हैं और कटरीना के इन लिप सर्जरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा। फैंस का कहना है कि कटरीना बहुत खूबसूरत थी और उन्होंने अपनी लिप सर्जरी करवा कर अपने फेस को खराब कर लिया है और अब वो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही और वो बहुत बुरी लग रही हैं। कुछ फैंस ये क्वेश्चन रेज करते दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने लिप सर्जरी क्यों करवाई जबकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि उन्होंने वेट गेन कर लिया है शादी के बाद और अब वो कुछ मोटी दिखाई देने लगी हैं। इसके अलावा भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रेज किया जा रहा था वो उनके लिप फिलर्स पे था और ये बताया जा रहा था कि उनकी लिप सर्जरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही और वो बिल्कुल भी उन पर सूट नहीं कर रही। उन्होंने खुद का फेस खराब कर लिया है और अब वो इस तरह के लुक में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसके साथ साथ फैंस का भी कहना था कि अगर कटरीना कैफ मूवी में एक भूत का करेक्टर प्ले कर रही हैं तो जरूरी नहीं कि उन्हें प्रमोशंस में भी भूत के करेक्टर में ही प्रमोशंस करनी पड़े, इसलिए भी फैंस उनको ज्यादा पसंद नहीं कर रहे और फैंस का कहना था कि उन्हें प्रमोशंस में अपने नॉर्मल अवतार में आना चाहिए था, ना कि अपने मूवी के करेक्टर में। इसके साथ साथ फैंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करते दिखाई दे रहे हैं और फैंस कटरीना से ये जानना चाहते हैं कि वो इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं क्योंकि उनकी इस मूवी को लेकर फैंस कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे। आपको कटरीना कैफ की ये फोन बोथ की लुक कैसी लगी और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कटरीना कैफ लिप सर्जरी के बाद अच्छी नहीं दिखाई दे रही और उनकी लिप सर्जरी बुरी लग रही है? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।